गिवन है, देखिए पहला टर्म तो हमें गिवन है कि भैया इस सीक्वेंस का माइनस वन है, ठीक है ना, और ए एन 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 टर्म जो है वो ए एन माइनस वन और अपॉन में एन है, ठीक है ना, ये जो हमारा एन माइनस वन का होगा ये एन माइनस वन का होगा, ठीक, और एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, टू से ग्रेटर पुट कर सकते हैं, टू के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे पुट एन इक्वल टू, एन की जो वैल्यू है देखिए क्या पुट करेंगे, टू थ्री फोर एंड फाइव, क्योंकि हमें शुरू के फाइव टाइम फाइव कर रहे हैं, तो हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे, टू थ्री फोर फाइव, ठीक। अब देखिए ए एन लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमने टू पुट करा, यहाँ पर एन की जगह कितना पुट करा, टू, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा ए एन की जगह फिर दोबारा से हमने टू पुट करा माइनस वन, इस तरह से अपॉन में एन की जगह कितना पुट कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा टू माइनस वन कितना हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, अपॉन में ए वन का मतलब होता है कि हमारा पहला टर्म, और पहला टर्म हमें क्या पता है पहले से माइनस का वन, तो इस ए वन के लिए हमने माइनस वन रख दिया अपॉन में, तो ये वाला जो टर्म आ गया ना हमारा, ये सेकेंड टर्म आ गया इस सिक्वेंस का, ठीक, ए थ्री फाइंड करते हैं, तो ए थ्री जब फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए थ्री माइनस वन, इस तरह से और अपॉन में थ्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू और अपॉन में थ्री, ए टू हमारा क्या है ये वाला, तो ये माइनस का वन अपॉन टू और अपॉन में, ये टू इस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देगा कितना हो जाएगा माइनस का वन अपॉन थ्री, तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। ए फोर फाइंड करते हैं, तो एन की जगह कितना पुट कर देंगे फोर, तो ये हो जाएगा ए फोर माइनस वन, इस तरह से और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए थ्री और अपॉन में फोर, ए थ्री कितना हमारा माइनस का वन अपॉन सिक्स और अपॉन में फोर, ये सिक्स इस फोर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा माइनस का वन अपॉन ट्वेंटी, सिक्स फोर जा सिक्स फोर जा ट्वेंटी, तो ये फोर्थ टर्म हो गया। ए फाइव, तो लिखेंगे ए एन के लिए कितना पुट कर देंगे फाइव, तो फाइव माइनस वन और अपॉन में आ जाएगा ए फोर अपॉन में, तो देखिए जहां पर ए फोर है वहां क्या पुट करेंगे माइनस का वन अपॉन ट्वेंटी, दूसरा टर्म था माइनस का वन अपॉन टू, तीसरा टर्म था माइनस का वन अपॉन सिक्स, माइनस का वन अपॉन ट्वेंटी फोर और माइनस का वन अपॉन वन ट्वेंटी, तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। अब इसकी सीरीज भी लिखनी है हमें, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज दिखाई देते हैं, जब सीरीज साइन करते हैं ना तो जहाँ कोमा है ना उसकी जगह पर प्लस का साइन लगा, ये प्लस हो जाएगा इस तरह से, पहला टर्म माइनस का वन अपॉन टू, दूसरा टर्म प्लस माइनस का वन अपॉन सिक्स, तीसरा टर्म प्लस माइनस का वन अपॉन ट्वेंटी फोर, फोर्थ टर्म प्लस माइनस का वन अपॉन वन ट्वेंटी, इस तरह से ये हमारी सीरीज फाइंड होगी। और जब हम सीरीज लिखते हैं ना तो जैसे ये हमारे फाइव टर्म्स हो गए इस तरह से, तो उसके बाद हम ना डैश 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 लगा देते हैं, मतलब ये जो सीरीज है इनफाइनाइट तक हमारी चलेगी। इसी तरह से हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 में था यहां पर भी ना प्लस का साइन लगा के डैश 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 लगा देंगे सीरीज में ना, जो टर्म हमने गिवन है जितने हमने सीक्वेंस में टर्म है उतने टर्म लिखते हैं प्लस और डैश डैश डैश, मतलब ये सीरीज अभी आगे चल रही है, इसमें एन तक भी आ सकता है, अगर ये हमारा सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो भाई एन की टर्म पहले जो था कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमें फाइंड होकर इसके उस रूप के पार्ट टर्म करें, लेकिन ये तो और भी हो सकती है ना वैल्यू इनकी, तो हमारे इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, तो सीरीज में हम प्लस का साइन लगा के डैश डैश लगा।